बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और टॉपिक है हमारा म्यूटेशंस। यूनिट नंबर 3 का तकरीबन ये एंडिंग टॉपिक है। म्यूटेशन क्या होता है, आइए इस बात को सबसे पहले समझते हैं। The definition of mutations is the change of a structure of a chromosome or a gene during cell division is called mutations. Change of a structure of a chromosome or a gene during cell division is called mutation. हम ये बात जानते हैं कि gametes जो कि sex organs के अंदर form होते हैं और उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो फिर जाके नई जनरेशन में उसके जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो जीन्स के ज़रिए या क्रोमोसोम्स के ज़रिए जो कि डीएनए से बनते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अच्छा, अब बात ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो गैमेट्स सेक्स ऑर्गन्स के अंदर तैयार होते हैं तो इनमें कहीं फॉल्ट आ जाता है, किसी वजह से इनकी फॉर्मेशन और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई तब्दीली आ जाती है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज ऐसे पैदा हो जाते हैं इंटरनली बॉडी के अंदर जो नेचुरल होते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल होते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं, देयर इज़ अ चांस, उसमें कुछ चांस ऐसा पाया जा सकता है कि जब गैमेट्स जो है वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर फॉर्म हो रहे हैं तो ये चांस पाया जा सकता है कि उनके जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का वो चेंज हो जाए या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए, या तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए। और ये कहाँ पर होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है, जब सेल डिवीजन होती है उसके अंदर ये चांस पाया जा सकता है। उसकी वजूहात हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उस पर, लेकिन ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो जो हमारे पास जेनेटिक मैसेजेस जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन जा रही है जो नेक्स्ट जनरेशन तक उसकी डेवलपमेंट में काम आती हैं, उसकी बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी आदत व अतवार को बनाती हैं, उसमें कहीं फ़र्क आ जाता है और वो इफ़ेक्ट डालती हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म पर। तो ऐसी सूरत में ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है म्यूटेशंस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं, हमें मालूम है कि 46 के पेयर्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर उसका कोई गेन या लॉस हो जाए, क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो गए, या तो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सूरत में ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, अब इस सूरत में जो डिजीज़ पाई जा सकती हैं, वैसे तो और भी कई डिजीज़ हैं लेकिन हमारी जो कोर्स में शामिल हैं उसमें नंबर वन जो है वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल सेल डिवीजन। मैंने बताया ना कि यहाँ पर जब सेल डिवीजन होती है एबनॉर्मली होना शुरू हो जाए तो इस सेल डिवीजन की एबनॉर्मलिटी की वजह से या तो पार्शियल कॉपी होता है क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 21, क्योंकि इसके सीरियल चलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या हुआ, दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल सेल डिवीजन और पार्शियल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स 21। तो ऐसा डाउन सिंड्रोम का केस होता है। ये डाउन सिंड्रोम जो है वो आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो मंगोलियन टाइप होते हैं, उनका स्ट्रक्चर तकरीबन सारी दुनिया के जितने भी डाउन सिंड्रोम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम नज़र आता है, फीचर्स उनके बॉडी के सेम नज़र आते हैं। इसी तरीके से हेमोफेलिया है, ये हेमोफेलिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता, अगर कहीं कोई वाउंड हो जाए, कोई कट लग जाए तो उसको आसानी के साथ